मॉर्निंग एवरीवन। मम्मी होती ना अगर यहाँ पे अभी बहुत डांटती, ऐसे डांटती यही पहन के सो गई। मेरी बचपन से आदत है, मैं स्कूल से आती थी यूनिफॉर्म पहन के सो जाती थी और मुझे इतनी डांट पड़ती थी। सॉरी मामा, आई लव यू। ये एक मम्मा मम्मा को सॉरी बोल रही, एक ये छोटा सा लड़का मम्मा मम्मा बोल रहा है। यस माय पेट इज फुल। योर पेट इज फुल? या ओके, हिज पेट इज फुल। बाय द वे, सुबह के हो रहे हैं 7:15 की जो मैं उठ चुके हैं और अर्चना का नया गाना आ चुका है, इट्स कॉल्ड खराब, जो कि अर्चना नहीं है। बट एनीवे, गाना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। प्लीज़ गाइज लिसन टू इट ऑन ज्योतिका डांगरीज यूट्यूब चैनल। आप सर्च करोगे खराब ज्योतिका डांगरी अर्जुना हरजाई एंड यू विल गेट टू सी द सॉन्ग। और मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे भी है बाय द वे, और आई थिंक अर्जुना की में भी होगा, डू चेक इट आउट। देना है तो दे अखा दी अखा दी शराब बुल्ला दे गुलाब। देना है तो दे अखा दी शराब बुल्ला दे गुलाब, खोल के दिखा दिल दी किताब, ऐदा नहीं प्यार तेरा, ये सलूक लगदा खराब, तेरा ये सलूक लगदा खराब, ऐदा नहीं प्यार चल दे जनाब। ओ मैंने वैसे सुबह सुबह बता दिया है। शॉक्स बना लेते हैं। बस अभी दिव्या और कीचू को ड्रॉप करके आया हूँ। कैमरे से व्लॉगिंग हो रही है आज, क्योंकि मेरा जो फोन है वो हैंग हो गया है। टच स्क्रीन इसका वर्क नहीं कर रहा फॉर सम रीज़न, तो मैं फ़ोन से व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, विच इज़ मच मोर कन्वीनियंट। और एक बार कंफर्ट की आदत पड़ जाए तो बंदा कहता है चल फ़ोन से ही कर लेते हैं, है ना, कलर ग्रेडिंग तो करनी ही है।
लेकिन आज बहुत दिनों के बाद कैमरा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फ़ोन मेरा ऑन नहीं हो रहा। It's going to be a busy day today. जो पता है क्योंकि आज पोस्ट आने और मैंने अभी एडिट नहीं किया है और साथ में अगला पोस्ट भी बहुत जल्दी तैयार करना है। बट एनी वे चलिए शुरू करते हैं। वेदर फोरकास्ट के मुताबिक कल होने वाली है बारिश, घमासान और उसके बाद 14 डिग्री सीधा। अभी कल 24 था तो वेल। ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है कीचू को पिक करने का, अभी है 20-25 मिनट और। मैंने सोचा किचन समेटे तो सुबह से लेकर अब नीचे आया हूँ मैं। गाना जिस दिन रिलीज होता है ना उस दिन इतनी चीज़ें होती हैं क्या बोलूँ। धीरे धीरे इस चीज़ के लिए टीम रखूँगा, पहले मैं चाह रहा हूँ खुद इस चीज़ में एक्सपर्टीज बना लूँ अपनी, क्योंकि अभी जिन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मैं काम कर रहा हूँ तो उसमें क्या है गाना वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फिर लिरिक्स कहीं और से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, पब्लिशिंग के लिए एक अलग जगह पर रजिस्टर करना पड़ता है, परफॉर्मेंस रॉयल्टीज के लिए अलग जगह रजिस्टर करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं साथ में, फिर स्पॉटिफाई कैंपेन्स उसकी एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, प्रमोशन कैसे होगा। एक ही बंदा मतलब ऐसे 360 डिग्री अभी फिलहाल मैनेज कर रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी इसमें कोई प्रॉफिटेबिलिटी मुझे पता भी नहीं है कि कुछ होगी कि नहीं, इसमें पैसे आएंगे भी कि नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ लग रहे हैं अभी क्योंकि आप एक वीडियो बना रहे हो, ऑडियो रिलीज़ कर रहे हो तो वो सब रिलीज़ प्रोसेस में जो पैसे लगते हैं। बट वंस आई अंडरस्टैंड कि हाउ टू रिकवर दैट मनी, तब जाके फिर मैं समझूंगा कि किस तरह से कौन सी टीम में लोग रखने हैं अब। और एनीवे फिलहाल किचन समेट देता हूँ जरा, नीचे आएगी हूँ तो। किचन इज डन, अब बस 5 मिनट में निकल रहा हूँ कीचू को पिक करने के लिए। तो एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि स्टोव बार बार साफ ना करना पड़े, उसके लिए आप फॉयल के बने हुए कुछ ऐसे ब्रैकेट्स आते हैं जो उस पर इंस्टॉल कर सकते हो और वो इजीली रिमूवेबल होते हैं। तो दिव्या लगाती तो थी फॉयल, लेकिन वो कह रहे हैं ऐसे बने बनाए स्टोव के साइज के हिसाब से मार्केट में मिल जाते हैं, तो मैं देखूंगा नेक्स्ट जब हम जाएंगे ना शॉपिंग के लिए। तो वीकडेज पे तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता क्योंकि कट टू कट चल रहा होता है और अभी सर्दियाँ आने वाली हैं तो सब शॉप्स भी जल्दी बंद हो जाएंगी, बंद होना शुरू हो जाएंगी। तो देखते हैं सैटरडे संडे इस बार दिव्या के साथ जाके ये चीज़ भी ढूंढ लेंगे, अगर मिलती है तो फिर सही है। कीचू को पिक करने में आ चुका हूँ, मौसम में काफ़ी बदलाव आ चुका है। दिव्या बता रही थी कि अभी आने वाले 2-3 दिन में टेम्परेचर 10 डिग्री तक चला जाएगा, अभी तो फिर भी प्लेजेंट है बट 2-3 दिन में ठंड होने शुरू हो जाएगी। सुबह तो आज उठे तो बिल्कुल ओस थी, धुंधला था सब कुछ। स्लोली ओके, कीचू एंड पापा आ चुके हैं वापस। ये देखो पूछ रहा है वेयर आर वी गोइंग, अभी मैं मम्मी से बात करता हूँ, अगर वो बस में बैठ गई है देन विल पिक हर अप। ओके टिकट चाहिए, ये लो। तो अभी हमने गाड़ी लगाई है पार्किंग में उस स्टॉप के बाहर जहाँ दिव्या आती है, हालांकि दिव्या का मैसेज आया है कि आप लोग चले जाओ घर में, आ जाऊँगी बस लेके। तो दो बसेस करनी पड़ती हैं उसको, एक यूनिवर्सिटी से यहाँ तक लेमिंगटन तक, लेमिंगटन से हमारे घर तक। एनिमेटेड हो तुम कीचू, पारी कर दो। तो अभी मैं कीचू के साथ पीछे बैठ गया, एकदम हैरान हो गया है, कह रहा अच्छा पापा भी पीछे बैठ सकते हैं। हाँ, हाँ।
नया सॉन्ग आया ना खराब, वो गा रहा है ये तेरी कन्ना दीवालियां ते छल्ले गानियां। कि जो आया है शूज उसने अपने सही जगह पे ठिकाने लगा दिए। दिव्या का मैसेज आ गया था कि आप निकल जाओ क्योंकि उसको थोड़ी लेट वाली बस मिल रही थी। ये मेरे को ना गाड़ी में मिला, मेरा ढूंढ रहा था मैं काफ़ी टाइम से, हालांकि इसके जा नहीं आया बट मैंने पहन लिया एनीवे। अब कीचू आ चुका है, उसको मैंने बिठा दिया, वो खा रहा है सूजी की रस होती है वो, और मैं बनाने वाला हूँ तंदूरी चाय। तंदूरी चाय पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, एक मैंने उस पर इंस्टाग्राम पर वायरल पोस्ट देखा है, चाय पत्ती रोस्ट करके वो बंदा बना रहा था या बंदी थी पता नहीं कौन था, तो आई एम गोना ट्राई दैट। तो इसमें करना ये है कि चाय पत्ती को चीनी के साथ पकाना है। चीनी पिघल गई है, अब इसमें हम डालेंगे इलायची, हम ऐड कर देंगे पानी। आज देख लीजिए ये मौसम, क्योंकि ये मौसम कल से बदलने वाला है। इतनी भीड़ थी आज कि भाई खड़े हो क्या आई हूँ मैं। हेलो एवरीवन, सुबह से अब जाके मैं आपसे बात कर रही हूँ, और जितनी भीड़ थी बस में अभी आते हुए, अब मैं रैडफोर्ड से पकड़ूंगी दूसरी, रैडफोर्ड के लिए पकड़ूंगी दूसरी। मुझे लग रहा है मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया, बट अब दूध डालने का टाइम आ चुका है। रिस्क लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बस जो है वो एक घंटे में एक बार आती है जो नेक्स्ट बस में पकड़ती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फेल हो चुका हूँ क्योंकि मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया। ये वायरल रील्स में ये इशू होता है कि वो बहुत मेजरमेंट प्रॉपरली बताते नहीं है, तो मैंने देख के जितना मुझे समझ में आया उस हिसाब से बनाई है। देखते हैं स्वाद कैसा आता है इसका। देखो जब ये बहुत थक के आता ना तो ऐसी हालत हो जाती है, बैठे बैठे सो गया है। देखते हैं पी के, वियर्ड सी स्मेल है। लग रहा है कोई जली हुई चीज़ पी रहा हूँ, शायद मैंने ठीक से बनाई नहीं। सैडली ये चाय मैं पी नहीं पाऊँगा, बहुत इसका बर्नट फ्लेवर है एकदम, ऐसा लग रहा है जला हुआ कुछ पी गया। तो बर्तन धो दिए जाए। अब ये है अगली बस, और इसकी भी हालत आप देख सकते हैं। पहले सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज शुरू हुए थे, अब मास्टर्स भी हो गए, तो यूजली ये सारी बसेस भर के आते हैं। I'm just hoping कि टेस्ट आने वाला है तो वो क्लियर हो जाए, ताकि एटलीस्ट एक चीज़ सॉल्व हो जाए। मुझे लग रहा था रिस्क लिया है, निकल गई बस, बट नहीं नहीं 6 बजे से 6:40 नहीं, इनफैक्ट मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी आई थिंक 6:30 के आसपास होगी, और अब 6:40 हो रहे हैं, 6:45 मान लीजिए, और अंधेरा। बट डर नहीं लगता यहाँ पे, ये चीज़ है एक, फिर भी सावधान और सतर्क तो रहना पड़ेगा जहाँ पे भी है आप। एनीहाउ, अर्जुना का मैसेज आया कि जो सो चुका है, तो देखते हैं अब घर जाके उसको उठाना है या फिर सोने ही रहने दें, क्योंकि अभी 7 भी नहीं बजे। थैंक यू।
इसके बाद दिव्या आ गई, हमने बहुत सारी बातें की, मैंने फिर से एक बार वो चाय बनाने की कोशिश की और सेकेंड टाइम थोड़ी सी बेहतर बनी थी। एनीवे फिलहाल ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू टुमारो।